लोग होते हैं, रागी होते हैं, जा रहे होते हैं कहीं, मौसम खराब हो जाता है, कोई ये कमरा होता है किसी के खेत में, सुनो बात ध्यान से, किसी के खेत में कमरा होता है, वहां वो चले जाते हैं, वो अंदर मतलब बसेरा करने के लिए, उठने के लिए। बिजली चमक रही होती है, पंजाबी दसा की मिक्स होएगी हिंदी, बिजली लश्क रही होती है, फुल बरसात हो रही होती है, और क्या होता है, बिजली आती है, गड़गड़ाती है, वापस कोई सियाणा आदमी होता है, वो कहता है ना, अभी अपने से किसी, अपने में से किसी एक की मौत आई हुई है, पर कोई ना कोई भले कर्म किए हैं, उसकी वजह से बिजली गिर नहीं रही, और ना ही मौसम ऐसे सही होगा। कोई होता है ना, लोग पुराने सियाणे आदमी होते थे, बोलते थे, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अपने एक एक करके ना, सामने कोई दरख्त होता है उधर जाएंगे, या कोई जगह होती है, मान लो सर बाहर वापस जाता हूं, दरख्त मतलब क्या होता है, वृक्ष, पेड़, ट्री, अच्छा। एक्स वाई जड़ लो, पेड़ नहीं होता, ऐसे बोलते हैं कि अपने बाहर जाके आना है, वाली वाली से हर बंदे को पता चल जाएगा, अगर किसी कही होगी तो उसके बाहर उस पर हो जाएगी और शांत हो जाएगा काम, क्योंकि मोड़ बहुत डरावना होता है, बिजली ऊपर ऊपर मंडराती रहती है उनकी, वो क्या करते हैं, बारी बारी से जाते रहते हैं, नहीं गिरती, फिर आ जाता बंदा बारी से, दूसरा जाता है, नहीं गिरती, फिर एक आदमी जाता है बाहर, संजय जैसा, वो बाहर जाता है, बिजली उन सारों पे गिर जाती है, ठीक है, मतलब उस एक के अच्छे कर्म थे, वो बच गया, उनकी सारों एक की वजह से किसी पे नहीं गिरी थी, समझ गए, तो जब लिखी आया तो वो आनी है, कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप आसमान में चले जाओ, आपको बिजली कुछ नहीं गिरेगी, आपके ऊपर सिर के ऊपर से आकर वापस मुड़ जाएगी, अगर आपकी नहीं है। आपके साथ मेरे मतलब एक तो ये टच से मतलब जैसे एक बार बारिश आ रही थी, इधर उनका घर है हमारा जो, इस तरह से वो मौसम खराब था, हम सारे घर के बाहर खड़े थे, कनिया आ रही थी, हवा चल रही थी साथ में, हवा कौन सी थी, उत्तर पूर्व की, बात तो सुनो, पता क्या हुआ, अंदर है ना गैलरी थी, उसमें इतना ना बाइक खड़ी थी, और बाइक गैलरी कौन सी थी, घर से ओपन वाली थी या कौन सी, चलो नहीं बता रहा, चलो नहीं बता रहा, तो गैलरी में खड़ी बाइक, बाइक का शीशा था, ठीक है, लगा हुआ, तो मैं गैलरी में खड़ा था, उधर से बिजली आई एकदम सीधी शीशे में, कसम से माँ की कसम से, बिजली जाके सीधे शीशे से टकराई। पहली बात तो यह है कि आपकी बात बीच में सच्चे बंदे को कसम की जरूरत नहीं होती, आगे से ये माँ की कसम, उसकी कसम, ऐसी बात करने ही नहीं, ये मतलब किससे बात में ना बुझना है, बिजन को नहीं आता, ये घटिया बातें होती है, आप आगे कंटिन्यू करो, तो उसका मेरे को मतलब करीब से हो गई निकली आपके, आप सारे खड़े थे घर के, मैं अकेला नहीं था, सारे थे, अच्छा, एक तो उस टाइम देखा था, और एक नहीं मतलब वो आपके पास से आई गैलरी में गई, शीशे पे पड़ी, और वापस चली गई, नहीं तो वो देखो सर आसमान में चमक रही थी, ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे घूम के गैलरी के अंदर आई, तो ऊपर से सीधी, नहीं वो सीधी आई थी, अच्छा ऊपर आई कनेक्टेड, जैसे तीर आता है, तीर आता है उस तरह, अच्छा अच्छा, फिर वो लग के और उसी टाइम मतलब शीशा टूटा नहीं था, सही रहा एकदम, बच्चे ये आपने बिजली नहीं देखी, वो आपने अकेला रिफ्लेक्शन देखा है उसका, वो जो भी हो मुझे तो मैं लग गया था, बिजली बिजली ऐसे गिरती तो शीशा बाइक सारा कुछ तबाह कर देना, और एक बार ऐसा हुआ मैं बाइक पे जा रहा था, मैं था मेरे भाई था, तो वो काफी मतलब काफी आगे, हम पीछे थे, और आगे बिजली गिरी थी उस दिन भी, काफी हम पीछे थे काफी देर, चलो संजय जी ये आपकी बातें हमें बहुत ही अच्छी लगी, धन्यवाद आपका।